गुड मॉर्निंग बच्चों, आई एम राय वीरेंद्र। मैं क्लास 8 का जो है मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट का रेशनल नंबर है। बच्चों इसमें टॉपिक क्या है आपका आज का? डिवीजन ऑफ द रेशनल नंबर। बच्चों इसमें क्या करेंगे हम? रेशनल नंबर का डिवीजन करें। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है? ए बाई बी एंड सी बाई डी आर रेशनल नंबर है। सच डेट सी बाई डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए बाई बी इज डिवाइडेड बाई सी बाई डी। तो हम बच्चों यहाँ लिख सकते हैं ए बाई बी डिवाइड कर, साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ, सी आपका ए जो है ऊपर चल जाएगा, मैंने डी जो है आपका ऊपर चल जाएगा, सी और नीचे आ जाएंगे, यानी यह चेंज हो जाएगा। मैंने कहने का था डी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर में हो जाएगा और सी जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में चलेगा। बच्चों अगर इसको करेंगे सॉल्व करेंगे तो ए इंटू डी हो जाएगा, तो यहाँ ए डी लिखेंगे, बी इंटू सी यहाँ बी सी लिखेंगे। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, ए बाई बी इज कॉल्ड द डिविडेंड। ए बाई बी यहाँ हमारा डिविडेंड है, सी बाई डी इज कॉल्ड डिवाइजर, ए डी बाई बी सी इज कॉल्ड क्वेशेंट होता है। तो बच्चे इसको समझ गए कि कैसे हमको डिवीजन रेशनल नंबर का करना है। तो एक तरह से मैं यहाँ पर जो है जनरल जो है इसमें कुछ थ्योरी थे, उस रूल्स थे, उसको मैं बताया। अब बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में हम देखेंगे सिंप्लीफाई, हमको बच्चे यहाँ क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। नंबर वन, मैं दो प्रॉब्लम इससे करके दिखा रहा हूँ, बाकी रेस्ट जो प्रॉब्लम हुआ इसको खुद करेंगे। 4/9 डिवाइडेड बाय 5/12। बच्चों यहाँ क्या करेंगे, गुना, अगर यहाँ डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह देंगे तो हमारे क्या हुआ, लट जाएंगे, यानी 12/-50 हो जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 3 का टेबल में 9 आता, 3 3 9 हो गया, 3 4 12 हो गया जो यहाँ लिखा। बच्चों अब ऊपर का जो है 4 × 4 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी 16 हो जाएगा। 9 × -5 करेंगे तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। बच्चों यहाँ रिजल्टेंट जो हमारा जो क्वेश्चेंट आएंगे उसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि डिवीजन में हमारे क्या रूल्स होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों का प्लस इंटू माइनस अगर करेंगे तो हमारा माइनस आएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, क्वेश्चन नंबर 1 के प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 6 को हम आपको बता रहे हैं। -60 -65/14 डिवाइडेड बाई 13/7, यानी -65/14/2 करेंगे इंटू चीन, हम यहाँ डिवाइड का जो है मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो इससे क्या उलट जाएंगे, 7/13 हो जाएंगे। बच्चों आप जानते 13 5 जा कितना होता है, 65, इसको 13 1 13 यानी 1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 7 2 14 होता है। तो बच्चों यहाँ क्या 1 लिखें, 7 को डिवाइड 7 से करें तो 1 होगा, यहाँ 14 को जो है 7 से डिवाइड करें 2 हो जाएगा। अब बच्चों 5 × 1 करेंगे तो 5 × 1 बाय 2 × 1 करेंगे 2 होगा, यानी बच्चों यहाँ साइन कब होता है, साइन माइनस इंटू इसका साइन क्या है, प्लस। 7/12 का साइन आपका जो पॉजिटिव है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 × + इसका -×+ हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो बच्चों इसका साइन क्या होगा, 5/-5/2 हो जाएगा, या साइन इसका नेगेटिव होगा होगा। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको वेरीफाई करना है कि यह जो गिवन स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स। बच्चों यहाँ दिया हुआ 13/5 / 26/10 = 26/10 / 13/5। तो बच्चों यहाँ आप देखें कि इसका एक्सचेंज हुआ, प्लेस का जो है एक्सचेंज करके हम इसको डिवाइड किए हैं, मध्य बदल दिए हैं, यानी यह प्रॉपर्टीज आप मल्टीप्लिकेशन में पढ़े होंगे तो यह क्या है, कम्यूलेटिव लॉ है। अब यहाँ पर वेरीफाई करना है कि रेशनल नंबर जो कम्यूलेटिव लॉ का फॉलो करता है या नहीं। तो कुछ एग्जांपल हम दे करके यहाँ बताएंगे कि कैसे हमारा होता है। बच्चों आप यहाँ देखेंगे कि यह जो है नंबर जो है आपका 13/5 या 26/10, ये दोनों नंबर जो है आपका इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का रिजल्ट आपका क्या होगा, आप यहाँ देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे LHS हम लिखेंगे 13/5 / 26/10 13/5 into
टेन बाई 26 करेंगे, यहाँ अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 10 ऊपर चल जाएगा, 26 नीचे आ जाएंगे। अब जानते हैं बच्चों, 5 2 10 13 2 10 2 1 2 2 1 2, तो इसका रिजल्ट आपका कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। 26 बाई 10 डिवाइडेड बाई 13 बाई 5, यहाँ 26 बाई 10 इंटू 8 बाई 13 इजकल टू 1। अगर इसका सोल्यूशन करेंगे तो 1 आ जाता, तो यानी आप देख रहे हैं कि दोनों LHS और RHS बराबर। लेकिन आप जानते हैं कि डिवीजन जो है कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो नहीं करता है, लेकिन आपको यहाँ पता चल रहा है कि आप जो है ये दोनों एक है यहाँ फॉलो कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों संभव हुआ? तो बच्चों यहाँ देखेंगे कि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म एक होता है, यानी 13/5 डिवाइडेड बाय 20/6/10, यानी 26/10 एंड 15/5 दोनों इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है, यानी दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही है, यानी दोनों कहने का अर्थ हो कि दोनों एक ही नंबर है। यानी 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, होगा 2 ही 1 होगा। 2 को 2 से फिर क्योंकि एक्सचेंज अगर करेंगे, क्योंकि सेम ही नंबर है, इसलिए यह इक्विवेलेंट का जो है एक अगर कोई भी दिया हुआ है इक्विवेलेंट फ्रिक्शन दिया हुआ है तो वह इक्विवेलेंट फ्रिक्शन, अगर दो इक्विवेलेंट फ्रिक्शन है तो वे कम्यूटेटिव लॉ का फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका इनका जो है सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों नंबर का एक ही होता है। अब बच्चों सेकेंड नंबर, इसलिए यह स्टेटमेंट आपको क्या है, ट्रू हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, माइनस जो दोनों अलग अलग हैं, -9 / 3/4 = 3/4 / -9। अब इसको देखिए कि यह फॉल्स है या सही है, ट्रू है, तो इस स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, LHS लेंगे, -9 / 3/4 करेंगे। अब -9 अपने स्थान पर होगा, ये 4/3 होगा, 3 3 आपको कट जाएंगे, आपका कितना हो जाएगा, -3 3 जब 9 होता है बच्चों यहाँ हो गया -3 × 4 करेंगे, -12 होगा। अब बच्चों यहाँ देखिए RHS में 3/4 / -9/1, यानी 3 डिवाइड कर -3 हो जाएगा। अब बच्चों ऊपर क्या है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 × 3 यानी -1/2। आप यहां देख रहे हैं बच्चों की जो है LHS और RHS बराबर नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा जो है फॉल्स है। यहां क्यों है कि दो यहां क्यों फॉल्स हुआ बच्चों, कि -9/9 और 3/4 दोनों रेशनल नंबर अलग हैं, इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए हमारा फॉल्स हुआ। और यहाँ क्या हुआ, दोनों फ्रैक्शन थे लेकिन दोनों नंबर रेशनल नंबर थे, लेकिन वे इक्विवेलेंट था, यानी दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म एक था, इसलिए यहाँ दोनों इक्वल हुए। तो बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर में 3 में देखिएगा, यहाँ का वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर इज ट्रू और फॉल्स, यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या क्वेश्चन दिया है बच्चों, 5/9 / 1/3, एक ग्रुप यहाँ है 5/5/2 = 5/9, यानी ग्रुप इसका हमारा चेंज होगा इसके साथ ग्रुप के, यानी 5/9 / का चेंज ब्रैकेट 1/3 / 5/2, यानी बच्चों ये देख रहे हैं आपका कौन सा ही लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, यानी एसोसिएटिव लॉ में अपना ग्रुप जो है कोई भी रेशनल नंबर, जो 3 रेशनल नंबर, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका 3 रेशनल नंबर में होगा, कम्यूटेटिव लॉ आपका कितने में हो गया, 2 रेशनल नंबर में होता है। तो बच्चों यहाँ 3 है तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ है, ये अपना ग्रुप बदल देने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या रिजल्ट का यह फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ मेन स्टेटमेंट हमको करना है कि डिवीजन जो है एसोसिएटिव लॉ का जो है फॉलो नहीं करता है। तो इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, देखिए LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, 5/9 / 3/5/2 जो आपका है LHS का है उसको लिख देंगे, इधर RHS में जो पार्ट है उसको हम लिख देंगे। बच्चों अब यहाँ ब्रैकेट के पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ करेंगे तो 3 3 9 होता है 3 हो गया, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 हो गया, इनटू डिवीजन के स्थान पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर चलेगा, 5 नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ देखें 5 5 जो है आपको कट जाते हैं, अब कितना बच जाते हैं, 2/3 यहाँ रिजल्ट आता है।
फिर यहाँ आप देखेंगे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ एक्सचेंज हुआ तो बच्चों 2/15 होगा। फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, 15 ऊपर चले जाएंगे 2 नीचे चले जाएंगे। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/6 हो जाएगा बच्चों। तब यहाँ हम देख रहे हैं, हेयर वी सी डैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो आपका यह स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत है। यानी बच्चों आप जानिए कि जो है डिवीजन जो है एसोसिएटिव लॉ का जो है फॉलो नहीं करता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ द रेशनल नंबर इज -12 फाइंड अदर। तो हमको अदर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों, मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ हिंट देता हूँ आप करके, लेट द अदर नंबर भी एक्स मान लेंगे आप। अब इसको डिवाइड -12 × इसको प्रोडक्ट है तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू -9 होगा। बच्चों यहाँ क्या हुआ, एक्स के साथ -12 आपका मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आपका जाएंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, डिवीजन में हो जाएंगे। अब बराबर के इधर ले जाएंगे तो डिवीजन -9 डिवाइडेड बाई -12 होगा, यानी -9 × करेंगे तो 1/-12 हो जाएगा। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे 3 × 9 हुआ 3 × 4 माइनस माइनस आपको कट जाएंगे तो आपका बच्चों क्या होगा, 3/4 इसका सोल्यूशन होगा। अगर इसको जो है करके रखेंगे बच्चों, इसी तरह जो है आप क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है करके रखेंगे। तो बच्चों मैंने 1 से लेकर जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है सेम है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। इसलिए आप जैसे मैं क्वेश्चन नंबर का 4 में हिंट्स दिया हूँ उसी तरह उसको भी जो है क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो इसके पार्ट का करूँगा। ओके थैंक्स।